कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ ही हॉस्पिटल में बदइंतजामी भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से आए दिन हॉस्पिटल में मरीजों और डॉक्टरों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई है। डॉक्टर हो या फिर मरीज, हर किसी का धैर्य जवाब देने लगा है। देश में और गहराया कोरोना का संकट। हर दिन विकराल हो रहा कोरोना। बेड और ऑक्सीजन की भारी किल्लत। टूटने लगा है देशवासियों का धैर्य। हंगामे और मारपीट की ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से हर दिन आने लगी हैं। कहीं डॉक्टर मरीजों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं डॉक्टर्स का धैर्य जवाब देने लगा है, जिससे अस्पताल में भारी हंगामा हो रहा है। हंगामे की यह तस्वीर दिल्ली की है। राजधानी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हंगामे की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि मरीजों को भर्ती करने के लिए डॉक्टर और मरीज के घर वालों के बीच काफी देर तक हंगामा हुआ। जिस वक्त हंगामा हो रहा था, पुलिस भी वहां मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस वाले ही किसी मरीज को भर्ती करवाने के लिए डॉक्टर से भिड़ गए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। अस्पताल में मौजूद लोग पहले एक दूसरे से झगड़ते हैं और फिर अचानक नौबत हाथापाई तक किया जाती है। दरअसल हंगामे की यह तस्वीर लखनऊ के TS अस्पताल की बताई जा रही है, जहां मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ काफी मारपीट की। बताया जा रहा है कि यह बवाल कोरोना मरीज के भाग जाने की वजह से हुआ। ये तस्वीरें डॉक्टरों के टूटते धैर्य को बताने के लिए काफी है। MP के जबलपुर में जब घरवाले एक कोरोना मरीज को लेकर पहुंचे, तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे देखने से इनकार कर दिया। यही नहीं, आरोप ये है कि डॉक्टर ने मरीज के घर वालों के साथ गाली गलौज भी की, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर को खदेड़ दिया। ये सभी तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना के बढ़ते संकट के बीच किस तरह लोग अपना धैर्य खोने लगे हैं। हालांकि इस हो हंगामे से हटकर भी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यही वजह है कि अब हॉस्पिटल कोरोना मरीजों और डॉक्टर्स का तनाव कम करने के लिए डांस का सहारा ले रहे हैं। लिहाजा हम सभी को संकट की इस घड़ी में डॉक्टर्स का साथ देना होगा और डॉक्टर्स को भी धैर्य से काम लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, गुड मॉर्निंग।